हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रॉम जीसी स्कूल क्लास सेकंड। बच्चों, लास्ट वीडियो में आपने पार्ट 10 गांव की सैर, जिसके आपने प्रश्न उत्तर और आओ करें और सीखें प्रश्न नंबर कै और खे किया, उसी का आओ करें और सीखें का यह पार्ट नंबर 2 है। बच्चों, भाग प्रश्न नंबर गै सुमेल कीजिए, सुमेल इनको आपस में मिलाइए। पहला है बच्चों जंगल का राजा। बच्चों ध्यान से चित्रों को पहचानो, जंगल का राजा कौन होता है? बच्चों शेर। तो पहले को बच्चों हम ये से मिलाएंगे, जंगल का राजा शेर कहलाता है। दूसरा है बच्चों शेर की मौसी। बच्चों जैसे राजा के नाम से शेर जाना जाता है, वैसे ही मौसी के नाम से कौन जानी जाती है? बिल्ली मौसी। देखिए बच्चों यहाँ बिल्ली का चित्र है, तो हम दो नंबर को दे दवा से मिलाएंगे, दे ऑप्शन से मिलाएंगे। तीसरा है बच्चों मनुष्य का पूर्वज। पूर्वज में मनुष्य कैसे रहते थे? बच्चों उनका जो रूप होता था बंदर वाला होता था, देखिए बच्चों इस तरीके का। तो तीसरे को बच्चों हम ऐसे मिलाएंगे। चौथा है बच्चों घोड़े जैसा पशु। बच्चों जो जेब्रा होता है, ये धारदार, ये कैसा होता है बच्चों? घोड़े जैसा। तो हम चौथे को बच्चों वैसे इस तरीके से मिलाएंगे। पांचवा है बच्चों स्वामी भक्त। बच्चों कुत्ते को वफादार और स्वामी भक्त की संज्ञा दी जाती है, तो हम पांचवे को, यहाँ पे कुत्ता है सै पे, हम इसे सै से मिलाएंगे। बच्चों प्रश्न नंबर घ है, चित्र के स्थान पर नाम लिखकर वाक्य पुनः लिखिए। देखिए बच्चों आपको कुछ अलग अलग चित्र दिखाए गए हैं, चित्र के स्थान पर अब हमें इनका लिखना है कि ये कौन से जानवर हैं, कौन से पक्षी हैं, और हमें इसी तरीके से वाक्य को पुनः लिखना है। ध्यान से देखिए बच्चों, मुर्गा, मुर्गी ने चूजे, चूजे से कहा आज बाहर नहीं जाना, समीप ही कौन बैठी है? बिल्ली बैठी है। पिंजरे में बैठा, कौन बैठा है बच्चों पिंजरे में? तोता। बिल्ली को देखते ही शोर मचा देगा, देखिए बच्चों ये कौन है? कुत्ता भौंकने लगेगा, तुम घबराना मत, आगे देखिए बच्चों कौन सा चित्र है? पेड़ पर बैठा मोर तुम्हारी रक्षा करेगा, तो इस तरीके से आपने चित्र के स्थान पर वाक्य लिखने हैं। और जो बच्चों आपने चित्र के स्थान पर शब्द लिखे हैं, आपने उसको
रेखांकित करना है। देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे लिखा मुर्गी, चूजे, बिल्ली, तोता, कुत्ता, पेड़, मोर, इस तरीके से। बच्चों आपने ध्यानपूर्वक चित्र को पहचान करके और सावधानी से इसे वाक्य को पुनः लिखना है इसी तरीके से। आज का आपका होमवर्क है बच्चों, फिल पेज नंबर 50। बच्चों जो आपने क्वेश्चन नंबर गै और घै, आओ करें और सीखें पाठ 10 से किए हैं, आपने इन्हें अपनी बुक में भरना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।